इस वीडियो को चुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ये वीडियो चुना है तो प्लीज इसे पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने को कहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली एंटरटेनमेंट के चैनल पर, जहाँ पर हम बनाते हैं सॉन्ग ट्रेलर्स और फनी वीडियो से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बात करते हैं आज हम कौन सा नया वीडियो देखने जा रहे हैं। तो आज हम सुनने जा रहे हैं बेसिकली झलक दिखला जा रिलोडेड सॉन्ग, जो कि हिमेश रेशमिया का बहुत पुराना गाना है, जिसे एक तरीके से रिमिक्स करके दोबारा लाया गया है, जिसमें हमारे एक्टर हैं इमरान हाशमी और गाना गाया गया है हिमेश रेशमिया के ही द्वारा, और ये गाना शायद द बॉडी मूवी के अंदर है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं झलक दिखला जा रिलोडेड कितना डिफरेंट है पहले गाने से और कितना भाता है ये हमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं झलक दिखला जा रिलोडेड सॉन्ग। फाइनली दोस्तों, द बॉडी मूवी का ही निकला ये गाना झलक दिखला जा रिलोडेड, और कहना चाहूंगा गाना जो है शुरुआत में इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, लेकिन लास्ट तक आते आते जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने लग गया और बहुत बेहतरीन लगने लग गया। मुझे ओवरऑल जो है मिक्स फीलिंग आई इस गाने के बारे में। जो पुराने गाने के बोल हैं वो बहुत बेहतरीन लगे हैं, और जब पुराने गाने का झलक दिखला जा साउंड आता है तो वो जो है आपको पुराने गाने की याद दिलाता है। यहाँ पर जो नई म्यूजिक डाली गई है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, उसे सुन के जो है इतना मज़ा नहीं आता। जब भी पुराने गाने की आपको धुन दिमाग में आती है या इस गाने में आती है, तब ये गाना इंटरेस्टिंग लगने लगता है। और ऐसा ही हुआ लास्ट में जब इमरान हाशमी जो है अपना सिग्नेचर स्टेप करने लगे झलक दिखला जा का, तो ये गाना जाके इंटरेस्टिंग हुआ है और गाना बेहतरीन लगा है। शुरुआत में जो टोन थी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगी पर्सनली, जो ऐसा लगे कि ये गाना फिर से रिलोड किया गया है। तो ओवरऑल अच्छी कोशिश है गाने को रिमिक्स करने की, लेकिन उस गाने को जो है रिमिक्स करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओवरऑल अगर वो गाने को सुने तो बहुत फेमस गाना है, बहुत जो है ओल्ड हिट रहा है ये, मतलब पुराने में हिट सॉन्ग है, सबने ही सुना है तकरीबन ये गाना, और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। तो ऐसे में इसे रिमिक्स करना बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब शुरू की धुन चलती है। ओवरऑल जब पुराने गाने
इसमें मिक्स किया जाता है, ये पुराने गाने की धुन आती है या लास्ट तक जब पुराना गाने के स्टेप आते हैं तब जाके ये गाना इंटरेस्टिंग होता जाता है और अच्छा सॉन्ग लगता है। तो चलिए दोस्तों, ओवरऑल गाना मुझे ये ठीक ठाक सा लगा है और पुराना गाना है क्योंकि ये और काफ़ी हिट सॉन्ग है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि ठीक ही गाना बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करने को कहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।